यो बास्केट, चलना है क्या? मर जाऊंगी तब भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। सोच लो, रात होने वाली है। पता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये म्यूजिक सिस्टम को भी अभी खराब होना था। साथ आ सकते हो? भूत। ओह, आई एम सॉरी। मैंने सुना था इस रोड पर सिर्फ मरे हुए लोग लिफ्ट मांगते हैं। आजा आजा। चलो। अबे भाई, चलो। ड्राइवर समझा क्या? आगे आके बैठो। आराम से। बेबी बहुत सेंसिटिव है, स्पेशली जब अजीब अजीब लोग इसमें बैठते हैं तो। चले प्लीज। हाँ प्लीज चले। प्लीज चले। ऑफ कोर्स बेबी, तुम प्लीज बुरा मत मानना, आज के लिए मैनेज कर लो। और वैसे भी कौन सा हर रोज हम भूतों को लिफ्ट देते हैं? गाड़ी धीरे चला, गाड़ी रोको और मान स्टॉप कर। अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। और मान गाड़ी रोको। क्या हुआ तुम्हारी खटारा को? क्या हो गया? She's sensitive. क्या हुआ तुम्हारी बेबी को? बेबी गर्म हो गई। लगता है तुम दोनों को कूलेंट की जरूरत है। How funny! बास्केट जोक्स भी क्रैक करती है। मजाक करना बंद करो, सोचो करना क्या। करना क्या है? बेबी को यहाँ छोड़ो और लिफ्ट लो। अगर तुम मेरी गाड़ी में नहीं बैठी ना, कोई खराब नहीं होती मैं तुमको बेबी। तुम चुप नहीं रह सकते? मारेगा क्या? तुम हो ही मेरे लिए बैड लक। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना तो आई एम श्योर अभी तक कोई ना कोई गाड़ी तो रुक जाती। मक्खी तू जा जा जा, मक्खी तू जा जा जा।
सही जगह पे तो आए हैं ना? Of course. जब कैंप यहाँ पे लगाया है तो जगह भी यही होगी ना, वरना कैंप यहाँ क्यों लगाते? अच्छा तो सारे गांव वाले कहाँ हैं? इसका गाना सुनकर भाग गए होंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा लोग ऐसी जगह पर रह कैसे सकते हैं। और ये रिज और अरमान कहाँ रह गए? जहाँ भी होंगे हमसे तो अच्छी जगह पर ही होंगे। लगता है गांव वाले आ गए। Hey guys, what's up? एंजी, अतुल, सपना, तुम लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, राइट? सो डिड यू गाइस मिस मी? हाँ, डिड यू? हे, गांव वाले नहीं आए अभी तक। पता नहीं, कोई आया ही नहीं अब तक। क्या हुआ? कहाँ रह गई थी तुम? लगता है यहाँ पे गांव वालों से पहले हमारे पास एक और पेशेंट। उसी का इलाज करना पड़ेगा। और इसका इलाज करते करते हम सब बीमार हो जाएंगे। मेंटल इलनेस? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब, हमारा नाम चंपा है। हम इस गांव के ना सरपंच की बेटी हैं। बापू ने ना इन दोनों को इलाज के लिए भेजा है। और बाकी? बाकी साहब, बाकी सब बारी बारी आएंगे। क्यों? वो डॉक्टर नहीं जी, वो ना हमारे गांव में सिर्फ 3 जोड़ी चप्पल हैं। इसलिए ना एक बार में सिर्फ 3 ही लोग आ पाएंगे। What? इलाज तुम्हें कराना है या चप्पलों को? बिना चप्पलों के क्यों नहीं आ सकते? दी, उनको बुरा लग जाएगा। शुभांकर, लेकिन अगर ये लोग 2-2, 3-3 करके आएंगे तो सबको देखने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। डॉक्टर साहब, आप लोग यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे ना? वो हमारे गांव को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं, हम जब तक सारे गांव वालों को नहीं देख लेते हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सर, अगर पहाड़ हमारे पास नहीं आ सकता तो हम तो पहाड़ के पास जा सकते हैं। आई एग्री सर, हम यहां गांव वालों की मदद करने आए हैं। अगर वो यहां नहीं आ पा रहे तो हम वहां चलते हैं। मतलब इस जगह को बेस कैंप बनाकर। एक्सलेंट आइडिया। गांव के लिए जो भी जरूरी सामान है, put it in the van and let's go. Come on, everybody, come on, right now. Good idea, Arman. ये सब तुम्हारी कंपनी की वजह से है जी। नहीं तो तुम्हारी बहन के साथ रहके काफी ब्रेन डेड हो गया था। नमस्ते सरपंच जी। ये सब डॉक्टर साहिब हैं। ये सब हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। गांव में आप सबों का स्वागत है। शुक्रिया। चलिए चेकअप शुरू करते हैं। हाँ जी। कम ऑन, कम ऑन बॉयज। चलिए। सब आप लोग हैं। हाँ। सब हम आ गए ना। सब ठीक हो जाएगा। सब डॉक्टर साहिब जो हैं। चल रहा है। डॉक्टर्स। एक बात याद रखिए, इस कैंप में आप लोगों को पॉइंट्स मिलने वाले हैं।
और सबसे ज्यादा पॉइंट्स मतलब इंटर्न ऑफ द मंथ। चलो यहाँ आने का कुछ फायदा तो हुआ। डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर अरमान आप लोग वहाँ जाके सेटअप करें। जी। डॉक्टर रिधिमा, डॉक्टर सपना और डॉक्टर अतुल आप लोग वहाँ जाकर चेकअप्स करें। जर्नी कैसी थी तुम्हारी? I can imagine. रिच तो बचपन से ही बोरिंग है। मजाक 0% और गुस्सा 100%. I know यार, तुम दोनों कितनी डिफरेंट हो। वो 0% और तुम 100%. तुम हमेशा कमेंट क्यों मारते हो? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? काम ही तो करो। हमारे गांव में सिर्फ 3 जोड़ी चप्पल हैं। मैं भी आता हूं। दीदी 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 वहां एक मरीज है, वो यहाँ नहीं आ सकती। चलो चलो वहां चलना होगा। हाँ, चलो चलो। देखिए ये टाइफाइड वैक्सीन है, इसे लेने से आपको ये बीमारी नहीं होगी, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसे लेने से रिफ्यूज ना करें। ऑलराइट? ये डॉक्टर है भैया, अंग्रेजी मैम। बीच बीच में कुछ बोला था। इस एक इंजेक्शन से आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये कौन सा इंजेक्शन है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। ना जी मैडम, हम ना कोई से लगवाएंगे। नहीं लगवाएंगे। पर आप समझ क्यों नहीं रहे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सबको सुइयों से डर लगता है। रिज, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? मैं समझा रही हूँ ना। दी प्लीज मुझे ट्राई करने दीजिए। तो बताइए ना, आप सबको सुइयों से डर लगता है? ना डॉक्टर नीजी, लेकिन आप ही बताइए, जिन दवाइयों के बारे में हमें पता तक नहीं, भला वो सुई हम कैसे लगवाई लेते? आप सबको टाइफाइड के बारे में पता है ना, कि बीमारी गंदे और दूषित पानी और खाने से होती है। हमारे सारे गांव वाले इसी बीमारी का शिकार हुए हैं। तो क्या आप इस बीमारी को हराना नहीं चाहेंगे? लेकिन कैसे? ये दवा लेके एक सुई बस। तो कौन सबसे पहले आएगा? हम लगाए। अरे कुछ नहीं हो, अरे तुम लोग भी ले लो। चलो चलो। गुड जॉब डॉक्टर रिधिमा। थैंक यू मैम। जब मैंने समझाया तो कोई नहीं समझा, उसने समझाया तो सब आ गए इंजेक्शन लेने। पेंट वाली मैम, मुझे भी। ये है सीता। इसकी सास ने जला दिया, चाचा दहेज नहीं दे पाए ना, इसलिए। यहां तो ऐसा ही होता है, कभी जला देते हैं कभी मारते हैं। पता है मेरी एक सहेली थी, उसे तो कुएं में धक्का दे दिया था। क्या? और तुम लोग कुछ नहीं कहते? ये सही नहीं है। सही या गलत ये तो पता नहीं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई ना, इसलिए इसके बापू दहेज नहीं दे पाए। सब भगवान की मर्जी है, जो होना था वो तो हो गया। दीदी ए,
बेटा। रोना मत बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये पुलिस को बताना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। या फिर सरपंच जी को, ताकि ये दोबारा ना हो पाए। आज अगर तुम डर गई तो कल यही बात तुम्हारी बेटी के साथ हो सकती है, तब भी तुम डरोगी क्या? चंपा, मैं सरपंच जी से मिलना चाहूंगी। डॉक्टर सपना, अगर बार बार आपसे मिलता रहूं तो फिर टकराए बिना कभी नहीं मिल पाऊंगा। आपने तो लगता है टकराने की आदत बना ली है। अगला। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मुझे ना यहाँ तकलीफ हो रही है। थोड़ा आ गया ना, गुदगुदी हो रही है जी। सपना। चाचा आप वहां चले जाइए, ठीक है? नॉट बैड। पहला दिन और इतने पेशेंट्स, काम काफी अच्छा कर लेते हैं तुम्हारे इंटर्न्स। लेकिन ये अरमान कहाँ है? बहुत तेज से दिख नहीं रहा। अपना प्रोफेशन बदल लिया आपने डॉक्टर अरमान। सिर्फ डॉक्टर कीर्ति, आइडिया तो बुरा नहीं, लेकिन मैं गांव वालों के लिए चप्पल लेने गया था। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। I'm sorry. क्या इसके लिए हमारी टीम को पॉइंट्स मिलेंगे? क्यों नहीं, दिल से काम किया है, पॉइंट्स मिलने ही चाहिए। सरपंच जी, आप ये चप्पले गांव में बांट दीजिए। अरे विनोद, सलीम, अरे चप्पले बांट लो भाई से। ले लो भाई चप्पल, ले लो।